हेलो दोस्तों, क्लास फॉर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, इसका नाम है मुर्गी पालन। इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, मुर्गी पालन के बारे में। ये सारे क्वेश्चन आपके पीएटी पीवी पीटी और पीवी एफटी ऐसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मुर्गियों में कौन सी गंदी आदतें होती हैं? मल द्वार नोचना, उधार नोचना, पाँव खींचना, फिर सभी, तो सारे ये जो आते होते मुर्गियों की हैबिट में होती हैं। अगला, एक भारतीय मुर्गी उपजाति ने कितने अधिकतम अंडे वार्षिक दिए हैं? तो अभी तक के दोस्तों आंकड़ा उसके हिसाब से 274 अंडे दिए हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है, कुड़क विशेषता किस प्रजाति की मुर्गी में सबसे अच्छी है? चिटगांव, कोचीन, सोसेक्स, एनकोना। तो चिटगांव नामक की जो प्रजाति इसमें ये पाया जाता है। अगला है, मुर्गियों में निर्माण से क्या खिलाना अपराध होता है? बारीक अनाज, मछली, अस्थी, चूर्ण, लवर में से उपयुक्त सभी, तो मुर्गियों को सभी से खिलाई जाती हैं। पांचवा, प्रोटोजोवा के द्वारा जनित मुर्गी का रोग है? फाउल कोलर, कोक्सीडियोसिस, रानीखेत, चेचक। कोक्सीडियोसिस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रानीखेत नामक मुर्गी में मृत्यु दर होती है 10, 20, 70, 100, तो इसमें 100% होती है। अगला है, बाह परजीवी में से किसके उपचार को नष्ट किए जा सकते हैं? मिट्टी का तेल, गैमेक्सिन पाउडर, रेडीटी, उपयुक्त सभी, जिसमें सभी इसको उपयोग किया जा सकता है। अगला, यदि मुर्गी अपने अंडे स्वयं खाने लगे तो क्या खिलाना चाहिए? नमक, कैल्शियम, गंधक, उपयुक्त सभी, जिसमें सभी चीज़ खिला सकते हैं, नमक भी, कैल्शियम भी, गंधक भी। नेक्स्ट, फेनिथाइजिन कीटनाशक औषधि में से किसको नष्ट करती है? राउंड वर्म, टेप वर्म, सीकल वर्म, तो राउंड वर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कुक्कुट प्रजाति में लाल कलंगी पाई जाती है? वेंडूट, रोड आइलैंड, वाइट रोड आइलैंड, रेड, या फिर उपयुक्त सभी, तो लाल कलंगी सभी पाई जाती है। किस प्रजाति में कलंगी मटर के समान होती है? उस ऐसे कोई भी जानवर मटर इसमें नहीं है, कोई भी प्रजाति नहीं है जिसमें कलंगी जो है मटर के समान पाई जाती है, ठीक है, तो उपयुक्त में कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। प्लूरम रोग के लक्षण है? पक्षी कमजोर होना, सुस्त, सफ़ेद दस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा कोई भी इसमें लक्षण नहीं पाया जाता। छठे सप्ताह की आयु वाले कुक्कुट पक्षी खाद्य देते हैं 40, 50, 60 या 70 ग्राम, तो 50 ग्राम आपको दिया जाता है। कृत्रिम अंडे सेने की विधि के द्वारा किस कुक्कुट रोग को बढ़ावा मिलता है? जिसमें प्लूरा नाम की प्रजाति जो इसको बढ़ावा मिलता है। अगला है, हीमोफिलस गोली नीरम नामक जीवाणु कुक्कुट रोग फैलता है? प्लूरम, संक्रामक कोरेजा, हैजा, चेचक, संक्रामक कोरेजा। अगला है, कुक्कुट में नोचने की आदत को रोकने हेतु करना चाहिए? भोजन में नमक बढ़ाना, दड़वे में गोभी लटकाना, चोंच का वनवाटरी भाग काटना, सभी, तो चोंच के वनवाटरी भाग जो काटा जाना चाहिए। अगला, मुर्गी की चोंच के कटे भाग पर लगाना चाहिए ग्लिसरीन, तेल, गर्म लोहा। करेक्ट आंसर गर्म लोहा। मुर्गियों में रोग फैलाने वाले आंतरिक परजीवी का उदाहरण है? जिसमें सभी जो आंतरिक परजीवी के एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगला, विश्व की सबसे अधिक अंडा देने वाली प्रजाति की खोज की है? जिसमें IBRI बरेली जो है इंस्टीट्यूट, इसने खोज की थी। बीसवा क्वेश्चन, सबसे अधिक भार वाले मुर्गी की कौन सी किस्म है? घागस, ब्रह्मा, जर्सी ब्लैक जॉइंट, एनकोना। जर्सी ब्लैक जॉइंट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, असील प्रजाति की मुर्गी की त्वचा का रंग होता है? सफ़ेद, पीला, लाल, मटियाला। करेक्ट आंसर सफ़ेद। 22वां क्वेश्चन, पीली त्वचा वाली मुर्गी की प्रजाति है? तो ये सारी पीली त्वचा वाली मुर्गी की प्रजातियाँ हैं। अगला, किस भारतीय मादा मुर्गी का भार अधिकतम होता है? जिसमें कड़कनाथ नामक की भारतीय मादा मुर्गी, इसका भार जो मैक्सिमम होता है। मुर्गी के लगभग 5 किलोग्राम भार किस प्रजाति का होता है? दोस्तों इसमें एक कोची नाम की प्रजाति होती है, इसका भार मैक्सिमम होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध नस्ल के साथ बार बार शुद्ध नस्ल को मिलाने से के प्रक्रम को कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको संकरण, क्रमोन्नति, अंतर्वंश या बाहवंश, तो क्रमोन्नति उसे कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को भी हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।